दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री शिवकुमार योजना के अंतर्गत। जैसे कि आप सभी को पता था कि 28 तारीख को यहाँ पर अनुबंध स्टार्ट होने वाले थे। 28 तारीख के बाद तो आज 29 तारीख हो चुकी है, तो हम देखने वाले हैं कि अनुबंध स्टार्ट हुए या नहीं। और आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि सर अनुबंध सभी को दिया जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, दिन प्रतिदिन यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर 6.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी हो चुके हैं लगभग है, ठीक है, 6,41,000, और जो कुल रिक्त पद हैं वो केवल 56,000 ही रह गए हैं। तो चलिए आज हम इसी विषय में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर नए हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल दीपेश गौर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमने आपको बता ही दिया कि केवल 6.5 लाख यहाँ पर अभ्यर्थी होने वाले हैं और 56,000 को रिक्त पद हैं, तो सभी के पास अनुबंध आना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जो कंपनी द्वारा रिक्त पद निकाले गए वो 56,743 हैं और जो अभ्यर्थी की संख्या वो 6,41,000 है। ठीक है, तो 6,41,000 में से केवल 56,743 से डबल युवाओं के पास ही केवल अनुबंध आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस किस के पास अनुबंध आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो है वो 28 तारीख से के बाद से अनुबंध स्टार्ट होने वाले थे, जिसमें अभ्यर्थी अपने अभिरुचि के अनुसार आवेदन कर सकेंगे तथा प्रतिष्ठान के द्वारा आवेदन स्वीकार करने पर आपका अनुबंध आपके लॉगिन आईडी में ही उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों ये जो एरो चल रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि हमने जैसे कि यहाँ पर आवेदन कर दिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर आवेदन कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर हमने जिला भी सिलेक्ट किया, तो हमने जैसे हरदा जिले सिलेक्ट किया, तो हरदा जिले में इस यदि मैंने जो यहाँ पर सेक्टर डाले हैं, इस सेक्टर की कंपनी में जॉब रिक्त पद यदि खाली होंगे, तो जैसे ही हमने अपना आवेदन डाला तो वो सीधे कंपनी की लॉगिन आईडी पर चला गया। ठीक है, तो कंपनी की लॉगिन आईडी पर जैसे ही जाएगा, जैसे मेरे सभी कई युवाओं ने डाला होगा तो सभी के आवेदन कंपनी के पास चले गए होंगे यदि रिक्त पद होंगे तो। ठीक है, कंपनी फिर उसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट जो वो जिसके अच्छा परसेंटेज होंगे, जिसके अधिक क्वालिफिकेशन होंगे, उनके पास ही केवल भेजेगी क्या अनुबंध। ठीक है, तो जैसे ही अनुबंध भेजेगी, हमारे पास यहाँ पर कहाँ पर शो होंगे अनुबंध, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर अनुबंध का ऑप्शन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास अनुबंध का ऑप्शन शो होगा, केवल सभी के पास अनुबंध का ऑप्शन शो नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखें, अगर आपको लगता है कि हमने जो सेक्टर सिलेक्ट किए हैं उनसे रिलेटेड कोई जॉब या कोई है कि नहीं, तो आप रिक्त पदों में जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर के अधिक पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि एग्रीकल्चर की पोस्ट मैंने डाल ली है और एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर कोर्स डाला सेक्टर डाला है सेक्टर और कोर्स में डाला है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो मैंने जो हरदा जिला डाला है, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने हरदा जिला डाला है, अगर हरदा जिला में एग्रीकल्चर में फील्ड ऑफिसर की पोस्ट खाली होगी तो वहाँ पर उस कंपनी के पास मेरा जो है वो रिक्वायरमेंट जाएगा। ठीक है, तो मेरे सभी मेरी जो अनुबंध मैंने जो आवेदन डाला वो कंपनी के पास चला जाएगा, वो कंपनी के पास बहुत सारे आवेदन आएंगे। ठीक है, क्योंकि 6 लाख युवाओं में से किसी ना किसी ने तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का डाला होगा और सेम जिला भी डाला होगा, तो उनके पास जाएगा, तो वो सभी की पहले चेक करेंगे क्वालिफिकेशन परसेंटेज, सभी चेक करने के बाद फाइनल अनुबंध भेजेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको ऊपर भी शो हो रहा होगा कि अभिरुचि के अनुसार यहाँ पर पोर्टल पर प्रकाशित रिक्तियों में अपने लॉगिन आईडी पर जाकर आवेदन करने की व्यवस्था 28/7/2023 के बाद उपलब्ध रह जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी अपने अभिरुचि के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। प्रतिष्ठान के द्वारा आवेदन स्वीकार करने पर, अगर प्रतिष्ठान आपका आवेदन स्वीकार करता है तो आपकी लॉगिन आईडी पर अनुबंध का ऑप्शन शो होने लगेगा, और अभी तक यहाँ पर अनुबंध का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, जो कि दोस्तों यहाँ पर 28 तारीख के बाद से अनुबंध स्टार्ट होने वाले थे, चूंकि आज 29 तारीख हो चुके हैं पर अभी भी अनुबंध यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही कोई इसके बारे में अपडेट आता है हम आपको जरूर जानकारी देंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।